साहस सरोकार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने कहा, सिर्फ 5 सालों में बदल दी यूपी की पहचान। पीएम मोदी ने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, बोले रेलवे के लिए यह क्रांति है। भारत में बीबीसी पर प्रतिबंध की मांग खारिज, हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। इसरो का SSLV-D2 रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च, 3 उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में करेगा प्रवेश। रोहित शर्मा ने जड़ा शतक, इतिहास खत्म, मोहित मैन का वनवास। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अलीगढ़ के 142 साल पुराने ऐतिहासिक प्रदर्शनी में कश्मीर व्यवसायी शाल, सूट, साड़ी और परमीना शाल बेचने आए थे, जो कि दर्शनार्थियों के लिए खरीदारी का केंद्र होता है। इस प्रदर्शनी का आयोजन हर साल होता है, जहाँ पर इस बार अनेक दुर्लभ चीजें देखने को मिली है। शॉपिंग सेंटर भी बनी हुई है। मैं पहलगाम से आया हूँ, कश्मीर पहलगाम से आया हूँ। यहाँ पर कम से कम 35 साल से काम कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे पास होते हैं कुर्ते, सूट, शॉल, बेड कवर्स और छोटे छोटे आइटम, बैग, ये सब होते हैं, स्वेटर, ये सब होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको हर चीज़ की, हर तरह से खुली छूट मिलती है। प्रशासन की तरफ से भी बहुत हिमायत होती है, हर वक्त वो काम आते हैं। अगर थोड़ा से थोड़ा भी बोलेंगे उनसे, वो काम आती है हर टाइम। नहीं नहीं, आज तक नहीं हुआ, ये 35 सालों में कोई परेशानी हमको नहीं हुई। कैसा लगता है आपको कश्मीर से यहाँ आके बेचते हैं सामान? बहुत अच्छा लगता है। अब बाकी सब अल्लाह ताला के हाथ में है, नफा नुकसान तो उसके हाथ में है, लेकिन यहाँ पर व्यवहार जितना है बहुत अच्छा है सब लोग का। यहाँ पर कस्टमर्स का व्यवहार अच्छा रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ अच्छा रहते हैं। हम हैं कश्मीर से, पहलगाम जगह से, हम यहाँ दुकानें लगाने आती है, हमारी यहाँ दुकानें लगती है परमानेंट पिछले 30-40 साल से। क्या क्या बेचते हैं यहाँ पर? हमारा कश्मीर आर्ट एंड क्राफ्ट, शॉल्स वगैरह। तो किस तरह के सूट और किस तरह के शॉल रहते हैं, क्या कीमत है? हर तरह के शॉल, गर्म, ठंडे, कॉटन के, वूलन के, सब तरह के शॉल्स वगैरह। हम कश्मीर से आए हैं और यहाँ पे हम स्टॉल 30 सालों से लगा रहे हैं। अलीगढ़ में हमारा अच्छा काम चल रहा है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमें शौक है। हम बोलते हैं कश्मीर में कब अलीगढ़ के एग्जीबिशन आए, हम एग्जीबिशन में जाए। हमारे पास पश्मीनी के शॉल है, लेकिन पश्मीना उसको जो इसको जस्टिफाई करता है उसको पता चलता है। आखिर यहाँ पे तो 200 वालों को भी पश्मीना बोल रहे हैं, लेकिन पश्मीना जो ओरिजिनल होता है वो 10,000 का प्लेन आता है। उसको जस्टिफाई होना चाहिए, इंसान को नॉलेज होनी चाहिए उसकी। और बाकी ये सूट सिल्क का, कॉटन का, कुर्ते रहते हैं, कानी के ये जैकेट्स रहते हैं, पश्मीना सब कुछ है हमारे पास। मैं कश्मीरी सूट्स देखने आई हूँ, लेकिन ये बहुत एक्स्ट्रा पैसे हमेशा देते हैं, लेकिन हमेशा बार्गेनिंग करते हैं। सामान बहुत अच्छा रहता है इनका, अपना एक क्लास है, कश्मीरीज का एक क्लास है, वो तो खैर नो डाउट क्लास ही है, लेकिन ये लोग जो पैसे बोले ना, उसे जस्ट हाफ रेट पे सब लोग लें। देखिए, मैं इसे अलीगढ़ की बहुत पुरानी नुमाइश है, ऐतिहासिक नुमाइश है, हम लोग स्टूडेंट लाइफ से इस नुमाइश को देखते चले आ रहे हैं। और यहाँ पे कश्मीर के लोग आते हैं, वो अपनी दुकानें लगाते हैं, कारोबार करते हैं, काफ़ी कश्मीर आते हैं, तो अच्छा सामान मिलता है, जेंट्स का भी मिलता है, लेडीज़ का भी मिलता है। तो आज मैं अपनी वाइफ के साथ आया हुआ था कुछ कश्मीरी सामान खरीदने के लिए, सूट वगैरह, शाल वाल खरीदने के लिए।
कासगंज में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सड़कों की जर्जर स्थिति को सही करने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को उठाया गया। ज्ञापन देने वालों में सपा पटियाली विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष मोनेन्द्र शाह मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैम टीवी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद कासगंज के गंजुनवारा में और मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी। आइए इनसे बात करते हैं। हफीज भाई, आज जो है गंजुनवारा ईओ को आपने जो ज्ञापन सौंपा है, किन किन समस्याओं को लेकर? देखिए, हमने 7 सूत्रीय ज्ञापन आज ईओ गंजुनवारा नगर पालिका को सौंपा है, क्योंकि चेयरमैन जो होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसलिए जिम्मेदारी ईओ पर है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर है, इसलिए आज हमने ज्ञापन ईओ को सौंपा है। उसमें पहली मांग ये है कि गंजुनवारा क्षेत्र की जो नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, काफ़ी सड़कें जर्जर हैं, तो उन सड़कों की मरम्मत के लिए हमने बात की है। जैसे शेरवानी स्कूल के सामने जो सड़क है उसकी मरम्मत की बात की है। कई जगह कूड़ा नियमित रूप से नहीं उठाया जाता है, हमने उसको उठाने की बात की है। फिर यहाँ पर एक तालाब है जिसमें कूड़ा डल रहा था बहुत दिनों से, ढेर लग चुका है वहाँ पर, तो उसको उठाने की बात की है और उसके सौंदर्यकरण की बात की है, क्योंकि तालाब को कोई घेर नहीं सकता है, तो तालाब का सौंदर्यकरण किया जाए। इसी तरह से जो नगर पालिका की स्ट्रीट लाइट है वो बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई है, हमने मांग की है कि स्ट्रीट लाइट को सही किया जाए ताकि जो है आने जाने में लोगों को समस्या ना हो। नगला इमाम बख्श में एक नाला है जो पूरी तरह से पट चुका है और वहाँ जो पुलिया बनी हुई है वो भी नीचे हो गई है, जिसके कारण पानी, गंदा पानी ऊपर आ जाता है, इससे काफ़ी बीमारियों का संक्रमण हो सकता है, बीमारियाँ फैल सकती हैं। तो ये सारी की सारी मांगें आज हमने ईओ साहब से की हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत सारी मांगों की तरफ वो ध्यान देंगे, अगर नहीं ध्यान देंगे फिर हम उनसे मिलेंगे और बार बार हम उनको याद दिलाते रहेंगे। चूँकि सारा का सारा चार्ज प्रशासन के पास है नगर पालिका का, इसलिए हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जो 7 सूत्रीय हमने ज्ञापन दिया है उस पर वो गौर करें और लोगों को सुविधा दिलाने के लिए जल्द से जल्द काम करें उस पर। ठीक है, ये मेरे साथ थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी। लखनऊ में वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लोग अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुबह 8 बजे से लोग कमदा चौराहे पर खड़े हैं, साथ ही सवारी की गाड़ियों को अहिया मऊ चौराहे से आगे जाने की इजाजत नहीं मिली, रूट डायवर्जन से लोग अनजान हैं। वहीं अगली खबर आपको बता दें, फिरोजाबाद में बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए, उन्होंने अधीनस्थियों के साथ नगर के एमजीएम महाविद्यालय के सभागार में नकल विहीन परीक्षा के रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। यूपी के फिरोजाबाद जनपद में चलती कार में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बता दें कि महिला का आरोप है कि एक सीआरपीएफ के जवान और एक पुलिसकर्मी ने उसके साथ चलती कार में रेप किया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है, साथ ही पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच का कोई पुराना विवाद है। कल एक महिला के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया थाना सिकोहाबाद में, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। इस एप्लीकेशन के प्राप्त होने के इमीडिएटली बाद हम लोगों ने उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है 2 व्यक्तियों के खिलाफ, और उसमें हम लोग उनकी छानबीन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे साक्ष्य हम लोगों को अभी तक मिले हैं जिसका परीक्षण किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया कुछ पुराना विवाद भी सामने आया है और उस विवाद के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। पूरी जांच में जो भी चीज, जो भी साक्ष्य हमारे सामने आएगा उसके हिसाब से इसका डिस्कशन किया जाए। लखीमपुर खीरी में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों घायलों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल भेजा गया। फिलहाल अज्ञात वाहन की अभी तक पता नहीं चल पाया है। गोंडा में प्रदेश सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी किसानों को छुट्टा जानवरों से निजात नहीं मिल रही है। जिले में गौशाला से ज्यादा छुट्टा जानवरों का झुंड और सड़क और किसानों के फसलें को बर्बाद कर रहे हैं। छुट्टा जानवरों के आतंक से किसान काफी परेशान है। शासन की ओर से समस्त जिम्मेदारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, लेकिन सरकार के आदेशों के बाद भी किसानों के उपजाऊ जमीन और सड़कों पर छुट्टा जानवर का आतंक देखने को मिल रहा है। हमारा यहाँ गोंडा में कम से कम 30-40 गौशाला अस्थायी रूप में चल रहे हैं। वास्तव में कल मैंने निरीक्षण किया है,
वैसे बड़े बड़े गौशाला है, उसमें क्षमता भी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम बकरवा के रख देंगे। एंड हमारे पास अभी तक 5 कैटल कैचअप मिल गया एंड लगातार उसके भी हम डेली मीटिंग भी कर रहे हूँ। जितनी इधर उधर घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं सबका हम निकलवा देंगे। एंड कुछ पालतू वाला छोड़ने के लिए भी शिकायत दिगम सर के पास भी मिला है एंड हमारे पास भी मिला है, उसका भी उचित कार्रवाई हम करा। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये छुट्टा जानवर है, ये जो है कोई भी फसल रहने नहीं देते। कितने भी आप खेत की जो है घेराई कर लीजिए, चाहे जो है तार लगा लीजिए, ये कूद कर, क्योंकि इनकी ये इतना दिखाई देते हैं लेकिन इनकी संख्या लगभग 150 में है यहाँ पर। हम लोग का दिक्कत होता जैसे दुआरे महारे कोनो भाटा मिर्चा कोनो साग सब्जी बैठे थे सब खा लेता, रातों दिन जागना पड़ा था, खेते सब फसल खा लेता, सब भय ना देता, खूटी थाम गाड़ा जाता सब तूर तार के फेंक देता, मानुष का मारे दौड़ा था गोरू। परेशानी वैसा की छुट्टा जाओ यहाँ, हमारा नाम पांडव रंजन तिवारी है, ग्राम केंदोरा में रहता हूँ। सारी रात जो है चलते हुए बीत जाता है, जानवर खेते हुए फसल सब खाए जा रहे हैं और गेहूं खा गए, दरवाजे पे कोई निकलने नहीं पाता है, दरवाजे पे घेर के बैठ जाते हैं। गौशाला नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं आता, गौशाला व्यवस्था हुई ना कोई व्यवस्था हुई यहाँ पे। रायबरेली में एक शादी चर्चा का विषय बन गई, जहां एक दुल्हन को लेने दुल्हा हेलीकॉप्टर से पहुंचा। सभी लोग इस विदाई को देखने के लिए पहुंचे। जानकारी के मुताबिक दुल्हा बिजनेसमैन है और दुल्हन के पिता नरेश प्रताप सिंह पूर्व प्रधान की बेटी की शादी पहुगुलहिरा में हुई है। विदाई के समय पूर्व प्रधान श्याम सिंह और उनका परिवार काफी खुश दिखाई दिया। ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ था, लेकिन सब कुछ सपने जैसे लग रहा है। ये असल में हमारे भांजे हैं पायलट गुड्डू, उनसे हमने कहा कि ये शादी में आना, तो अब क्योंकि उनकी व्यवस्था है वो लेकर के आए और इनका सबको ले जा रहे हैं। अलीगढ़ जिले के थाना जामा इलाके अलीगढ़ अनूप शहर रोड स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां ऑटो के इंतजार में कॉलेज गेट पर खड़ी 6 छात्राओं को एक तेज रफ्तार इको कार ने कुचल दिया। बताया जा रहा है कि इस दर्दनाक हादसे में घर की इकलौती बेटी अर्शी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ में मौजूद दूसरी छात्रा की हालत बेहद नाजुक है। वहीं अन्य एक छात्र सहित 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल एक छात्र सहित 4 छात्राओं को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जबकि एक्सीडेंट में मारी गई अर्शी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एएमयू छात्रों ने मृतक छात्रा के परिवार के लोगों को मुआवजा दिलाए जाने के साथ ही कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की पुलिस प्रशासन से मांग की है। हम कॉलेज के बाहर खड़े थे, 2-4 स्टूडेंट और खड़े थे ऑटो के लिए इंतज़ार में, कॉलेज से काफ़ी दूर, मतलब रोड की प्रॉपर्टी पे नहीं, अपने ऑफिस की प्रॉपर्टी में। तो ये ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे और गाड़ी आती है बहुत तेज़ अचानक। हम 3 लड़के, एक लड़का और 2 लड़की इधर खड़े थे और अचानक से आती हैं, इन सबको एक साथ उड़ा देती हैं। रोड का लड़कियों का बहुत बुरा हाल हो गया। देखिए ये मामला जो है ये जमा थाने के नज़दीक का है और ये कॉलेज है, अलीगढ़ कॉलेज, जो वहाँ गेट पर जो एक्सीडेंट हुआ है, जो एक गाड़ी ने एक क्रॉस साइड से मारा है एक्सीडेंट, और जिसमें बच्चे ज़ख्मी हुए बुरी तरह से, जिसमें 6 बच्चे ज़ख्मी हुए थे, जिसमें से एक का इंतकाल हो गया, जिसका नाम है लड़की का अर्शी, और घर की इकलौती लड़की है वो जिसका इंतकाल हुआ है। ये बड़ी दुखद खबर है, बहुत ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ पर। और 5 लोग जो एडमिट है मेडिकल एमरजेंसी में, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जिसमें से एक ज़्यादा सीरियस बताए जा रहे हैं और 4 थोड़े से ठीक से हैं, जो आराम है, गंभीर हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि अलीगढ़ कॉलेज का जो प्रशासन है उसकी तरफ से किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है बच्चों को फिक्र को लेते हुए। और दूसरा, मैं प्रशासन से अपील करूंगा, पुलिस प्रशासन से, कि इस पे FIR करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, चाहे वो ड्राइवर हो या ड्राइवर के इर्द गिर्द जो भी लोग हैं। ये 5-6 बच्चे थे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है अनूपचर रोड पर, तो जैसे बताया गया कि साइड में खड़े हुए थे, किसी वैन ने इसमें टक्कर मार दी। इसमें से एक तो ब्रॉड डेड थी और 5 इंजर्ड हैं, इसमें कुछ के सिर के चोट हैं, कुछ के फ्रैक्चर भी हैं। खबर और
गया से है, जहां पर अचानक बाइक में आग लग गई। हादसे में बाइक सवार युवक बच गया है। वहीं गौतम सिंह ने बताया कि बाइक के कार्बोरेटर के पास लगी पेट्रोल पाइप के पास आग लग गई थी। युवक ने तेजी से बाइक रोकी और साइड स्टैंड लगाकर खड़ा कर दिया। इस दौरान पूरी बाइक जल गई है। कैसे आग लगी है? बुलंदशहर में युवक को बाजार में बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पीड़ित और आरोपी के बीच मोबाइल फोन पर कहासुनी हो गई थी। पुलिस का दावा है कि वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही। ये मामला बुलंदशहर के कोतवाली गुलावटी क्षेत्र के सिकंदराबाद अड्डे का है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस